क्वेश्चन नंबर 8, इसमें हमने पाई चार्ट चार्ट ड्रा करना है, ठीक है। फूड आइटम्स एक्सपेंडिचर है बच्चों, इसके लिए ना हमें सबसे पहले एंगल चाहिए होता है, क्योंकि ये सर्कल की फॉर्म में होता है, तो टोटल 360 एंगल होता है, तो इसके हिसाब से देखें कैसे बनाएंगे हम। ये हमारी फूड आइटम्स आ गई, ये एक्सपेंसेस आ गए, इन सबको आपने ऐड कर लेना। ऐड का मतलब जमा करना, इनको जमा करेंगे तो ये आ जाएगा 240। अब सेक्टर एंगल कैसे बनाएंगे, ये पहली वैल्यू लेंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाय जो इसका टोटल है, मल्टीप्लाई 360 एंगल होता है, ठीक है। तो कैलकुलेटर यूज़ कर लेंगे, 95 मल्टीप्लाई 360 इक्वल दबाएंगे और फिर डिवाइडेड बाय 240 है, तो 142.5, राउंड करेंगे तो 143 आ जाएगा। ऐसे ही ये सारी वैल्यूज़ को कर लेना है, 32 डिवाइडेड बाय 240 मल्टीप्लाई 360, 50 डिवाइडेड बाय 240 मल्टीप्लाई 360, 23 डिवाइडेड बाय 240 मल्टीप्लाई 360, 40 डिवाइडेड बाय 240 मल्टीप्लाई 360। ओके जी, जैसे पहली की ऐसे ही इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल दबाएंगे, डिवाइडेड बाय 240, तो ये 48 आ जाएगा। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास 75 आ जाएगा, 34 आ जाएगा, 60 आ जाएगा। इसके अलावा इसके परसेंटेज भी निकाल लेते हैं एक्सपेंसेस की, वो कैसे निकालना है, सेम यही 95 डिवाइडेड बाय 240, अब परसेंटेज में 100 होता है, ठीक है, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, तो 95 मल्टीप्लाई 100 इक्वल दबाएंगे तकसीम 240, तो ये आ गया 39, और इसको राउंड करेंगे तो 40% लिख लेते हैं, 40%। ऐसे ही बाकी वैल्यूज़ करेंगे, 32 डिवाइडेड बाय 240 मल्टीप्लाई 100, तो ये आ जाएगा 13.3%। आगे 50 डिवाइडेड बाय 240 मल्टीप्लाई 100, ये आ जाएगा 20.8%। आगे 23 डिवाइडेड बाय 240 मल्टीप्लाई 100, तो ये आ जाएगा 9.6%। और लास्ट पे है 40 डिवाइडेड बाय 240 मल्टीप्लाई 100, तो ये आ जाएगा 16.7%, ठीक है जी। ये पहले सेक्टर का एंगल बना लें, ये कोई ज़रूरी नहीं होता, लेकिन चलिए ये परसेंटेज भी हमने निकाल ली। अब सबसे पहले क्या करेंगे, सर्कल ड्रा करेंगे एक, ये आपने ऐसे ले लेनी है कंपास, उसमें मैंने पेंसिल लगा ली, आप ऐसे आमतौर पर लेड पेंसिल यूज़ होती है, कच्ची पेंसिल, ठीक है। तो ये आ गया हमारा सर्कल, पहली जो लाइन होती है वो हमने खुद ड्रा करनी होती है, ये जो सेंटर है वहाँ से किसी भी एक कोने तक ड्रा कर लें, ठीक है। उसके बाद जो हमारा काम होता है वो डी के साथ होना होता है, ठीक है। तो डी तो नहीं है इस टाइप की तरफ, तकरीबन 3, ये जो इसका ये होता है ना क्रॉस, इसको इसके ऊपर रखना होता है, और नीचे वाली लाइन को नीचे वाली लाइन के साथ, ठीक है। 143 ये नीचे वाली, ठीक है, ये 40 है, 140, और आगे 3 छोटी लाइनें हैं, ये तकरीबन यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, आगे है 48, ये रखा हमने 48,
ये 50 दो काम करेंगे तो 48 हो जाएगा, तो ये आ गया 48। आगे है 75, मतलब जब अगला ड्रा करना है ना तो जो लाइन आई होगी उस पे रख के करना है, ठीक है। 75 तकरीबन यहाँ आ जाएगा, उसके बाद है 34। थर्टी के आगे चार छोटी लाइनें, ठीक है। ले जी, ये हमारा बन गया जी पाई चार्ट, ठीक है। 3.2 क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो ये जो है पहला था, ये 40% बना था, ये 13.3%, 20.8%, 9.6%, 16.7%। ये हमारा पहला जो था वो फूड का था, दूसरा क्लॉथिंग का, तीसरा रेंट का, चौथा मेडिकल केयर, मेडिकल केयर, लास्ट वाला अदर्स, ठीक है। अब बाकी इसमें कोई शेड शूट करना है तो ऐसे मुख्तलिफ शेड्स भी की जा सकती हैं। ओके जी, इस तरह ये क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया। सबसे पहले हमने इसका टोटल करना होता है, उससे हमने एंगल बनाना है। एंगल बनाने के लिए पहली डिवाइड बाय टोटल मल्टीप्लाई 360, ऐसे परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई 100, यही वैल्यूज हैं। यहाँ 360 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ 100 से करना है, और फिर उनको इसके ऊपर ड्रा कर देना है।